और हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। सो यहाँ पे हम लोग लगेज वगैरह अब लग रखवाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग उस टाइम पे थक चुके थे, लेकिन एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थे कि अब हम लोग दार्जिलिंग पहुँचने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए ज़्यादा टाइमिंग पे थी कि जल्दी से पहुँचेंगे ना तो वहाँ का माल रोड घूम लेंगे, एटलीस्ट थोड़ा सा लोकल में एक्सप्लोर कर लेंगे, मार्केट वगैरह कैसा क्या है, यही सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही थी। और हम लोग फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठने को रेडी हैं। और ये गाड़ी ऐसी थी जो बहुत जल्दी ही वहाँ से निकलने वाली थी, क्योंकि वहाँ कई टाइम ना बहुत ज़्यादा वेटिंग भी हो जाता है। तो हम लोग सोचे नहीं नहीं फटाफट से निकल जाएंगे। और रास्ते का व्यू मैं क्या बताऊँ, आप आगे वाले टाइम में आप देख ही सकते हो, और हम सबका फेस देख के आपको लग ही रहा होगा हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। बोबो, अभिषेक, मैं, शिवानी, हम सब बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि हमारा कोरोना के बाद ये फर्स्ट ट्रिप था। और निकलने के साथ ही थोड़ा आगे बढ़े तो और ये देखिए आप व्यू कितना खूबसूरत है। यही व्यू इन्जॉय करते करते हम लोग को एक टी ब्रेक मिला था, तो हम लोग वहाँ रुके थे। वहाँ मैं थोड़ा सा फेस वगैरह वॉश करके, हेयर कॉम करके मैं थोड़ी रेडी हुई थी, तो थोड़ा सा हल्का लग रहा था वहाँ पे। और हमने वहाँ पे ऑर्डर किया था चिकन मोमोज 2, 2 मैगी, 2 चाय, तो हमने यही सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। और यहाँ पर बिल्ली, जिसको शिवानी देख के बहुत डर रही थी, और बोबो उसको बहुत पैम्पर कर रहा था। और यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा मोमोज निकल रहा है। और हम लोग यहाँ पे जो झारखंड में जो मोमोज खाते हैं, इस मोमोज में और उस मोमोज में काफ़ी टेस्ट का बहुत डिफरेंस होता है। तो वो बहुत ही यमी चटनी, बहुत यमी होती है। शिवानी, अभिषेक, बोबो जितने दिन थे वो लोग हर टाइम पर टाइम कितना मोमोज खाया होगा ना, मैं काउंटिंग भी आपको नहीं बता सकती। और यहाँ देखो, सबको ठंड लग रही है। उसके बाद हम सब ने क्या किया, खाने के बाद हमने भैया को बोला कि भैया हमारे बैग उतार के दो हमें, और हम थोड़ा सा जैकेट वगैरह पहनेंगे, नहीं तो बोबो को ठंड लग जाएगी। पहले हमने डिसाइड किया कि बोबो को पहनाएंगे। और यहाँ देखो, बोबो कितना इन्जॉय कर रहा है। मुझे बोबो को देख के बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे साथ इतना इन्जॉय करता है ना, वो बहुत कोऑपरेट करता है अभी से नहीं, बचपन से। और यहाँ मैं श्वन पे गुस्सा कर रही थी, क्या ये मास्क टांग के तुम गर्दन में खा रही हो, या तो लगाना है तो पूरा लगाओ, या तो एकदम हटा ही दो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और शिवानी को सर्जिकल मास्क बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो एकदम उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती है।
ठंडी में मैगी खाते हैं ना। और यहाँ पे अभिषेक भी मोमोज खा रहा था, मैगी खा रहा था, और मोमो तो मेरा बहुत क्यूट बच्चा है भाई। और यहाँ हम सब ने जैकेट पहन लिया अपने अपने, और हम सब गाड़ी में बैठने को रेडी हो गए। I won't make it out this bed. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda short, but I got some blessings. और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, और होटल में मैं फ़ोन करके कंफर्म कर रही थी कि हमें आना कहाँ पे है, या आप मुझे व्हीकल भेज रहे हैं क्या। तो उन लोगों ने बोला नहीं मैम, अभी हमारा ड्राइवर जा चुका है, तो आप लोग खुद से ही आ जाइए, क्योंकि हमने बिफोर इन्फॉर्म किया ही नहीं था कि हम लोग कितने बजे पहुँचने वाले हैं। तो फिर हमें अपना पवन ड्राइवर यहीं पर फर्स्ट टाइम मिल गया। अंदर अंदर जा सकता है ये महाकाल का भी, अंदर अंदर बहुत शूज वगैरह सब हो रहा है ना जी। यहाँ के बिग बाजार है का? बिग बाजार, बिग बाजार तो सब, बिग बाजार नहीं, बिग बाजार तो हमारा, वो ऐसा चीजों की सब में नहीं है, वो देखना है, क्योंकि बिग बाजार के पास ही बोले थे ना। हाँ बोले, हाँ हाँ, नहीं अच्छा मार्केट है यहाँ का, बहुत अच्छा मार्केट। तुम कितने लेमन टी पी? हाँ।